नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर राजस्थान का परिवहन का दोस्तों एक टॉपिक है, तो दोस्तों उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, इसके बाद में सिर्फ ज्योग्राफी का एक ही टॉपिक है, वो बाकी रहेगा, वो दोस्तों मैं आपको कल करवा दूंगा, जिसका नाम है 2011 की जनसंख्या। ठीक है, आज अपना परिवहन का टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी के जो सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक थे वो सारे के सारे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज परिवहन का और कल जनसंख्या का, फिर अपने सारे टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपन दोस्तों आगे इतिहास वगैरह लेंगे। तो अगर चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जयपुर से जैसलमेर को हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, कब से जोड़ दिया गया है जयपुर को जैसलमेर से, हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है जयपुर को जैसलमेर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब जोड़ा था, तो 29 अक्टूबर 2017 को जोड़ा था। दोस्तों, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में बूंदी जिले में स्थित प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सड़क सुरंग का शुभारंभ किया गया। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सड़क सुरंग का शुभारंभ किया गया। तो सड़क है सुरंग का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 2015 को। चार नंबर का ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, जयपुर से जोधपुर और उदयपुर के बीचे इंट्रा स्टेट हवाई सेवा शुरू की गई थी। जयपुर से जोधपुर और उदयपुर के बीच इंट्रा स्टेट हवाई सेवा शुरू की गई थी, तो दोस्तों ये कब शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 2016 को। 4 अक्टूबर 2016 को दोस्तों ये हवाई सेवा शुरू की गई थी। चार नंबर प्रश्न है, देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन कौन सा है। देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन कौन सा है। दोस्तों, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों जयपुर मेट्रो का श्याम नगर मेट्रो स्टेशन। ठीक है, जो श्याम नगर मेट्रो स्टेशन है वो दोस्तों देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन है। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, पाँच नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, तो दोस्तों ये है, ये कब किया गया था, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 11 अक्टूबर 2017 को किया गया था। दोस्तों, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, तो इसमें देखो, जयपुर कोटा के बीच सीधी हवाई सेवा प्रारंभ हुई। जयपुर कोटा के बीच सीधी हवाई सेवा है वो कब प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अगस्त 2017 से दोस्तों जयपुर कोटा के बीच सीधी हवाई सेवा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, 31 मार्च 2016 तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या हो गई थी। 31 मार्च 2016 तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या हो गई थी, तो दोस्तों कितनी हो गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, 39 ये दोस्तों वर्तमान में भी। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आठ नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, प्रति 1000 वर्ग किमी पर सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य है। प्रति 1000 वर्ग किमी पर सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास में, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड दोस्तों इसमें एक नंबर का ऑप्शन है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारत में वर्ष 2016-17 तक कुल सड़कें थी। भारत में वर्ष 2016-17 तक कुल सड़कें थी, तो कितनी सड़कें थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 54.72 लाख किलोमीटर। 54.72 लाख किलोमीटर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, भारत में वर्ष 2016-17 के अंदर कुल सड़कें कितनी थी, 54.72 लाख किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, दस नंबर प्रश्न है,
इसमें देखो सीकर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के राजस्थान बॉर्डर फतेहपुर सालासर खंड का लोकार्पण कब किया गया? सीकर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के राजस्थान बॉर्डर फतेहपुर सालासर खंड का लोकार्पण कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 29 अगस्त 2017 को किया गया था दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राष्ट्रीय राजमार्गों को आवंटित नई संख्या के बाद निम्न में से कौन सा नया राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में नहीं है? दोबारा देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों को आवंटित नई संख्या के बाद निम्न में से कौन सा नया राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजस्थान के अंदर नहीं है। दोस्तों प्रश्न समझ में आ गया होगा कि पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनके नंबर थे वो अलग थे, ठीक है, और जब से उनके नंबर चेंज हुए हैं तो राजस्थान में दोस्तों एक नहीं है, इनमें से ही कौन सा नहीं है राजस्थान में वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है नया राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है NH8, ठीक है। इसमें देखो पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों में NH8 है वो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता था, दिल्ली से मुंबई को जोड़ता था जो राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरता था। नई संख्या के बाद NH8 है वो असम एवं अगरतला में विस्तृत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो इसमें देखो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 यानी कि नया, ठीक है, नया राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 राजस्थान में किन जिलों को जोड़ता है? तो राजस्थान में किन जिलों को जोड़ता है NH11, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर सीकर को, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह राजमार्ग जैसलमेर के निकट NH68 से प्रारंभ होकर पोकरण, बीकानेर, डूंगरपुर, गंगानगर, रतनगढ़, फतेहपुर, सीकर में होते हुए दोस्तों ये NH52 तक विस्तृत है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। 13 नंबर प्रश्न है, राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर में है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान है, तो वित्तीय अंशदान है ये दोस्तों कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60:40 है दोस्तों, ठीक है, 60:40। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो चीरवा घाटी सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? चीरवा घाटी सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से दोस्तों देख लो क्या होगा, तो NH8 पर स्थित है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, NH8 पर स्थित है चीरवा घाटी सुरंग। दोस्तों यह सुरंग है उदयपुर में चीरवा घाट की तलहटी में बनाई गई है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 यानी कि पुरानी संख्या, और नया कौन सा है तो नया की बात करें तो दोस्तों NH48 है, ठीक है, NH48। अब अपन बात करें तो इधर चीरवा घाटी सुरंग है ये वर्तमान में NH48 पे है, ठीक है, याद रखना इसको, और पुराना NH8। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 168 नया राजस्थान को किस राज्य से जोड़ता है? तो राजस्थान को किस राज्य से जोड़ता है NH168? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से जोड़ता है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? तो किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो सर्वाधिक है, ठीक है। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है वो उदयपुर में सर्वाधिक है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर है दोस्तों बाड़मेर, और 3 नंबर पर है जोधपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट
18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान है, तो ये प्रश्न अभी आया था दोस्तों 60:40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है, तो दोस्तों नया हवाई अड्डा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ में बनाया जा रहा है दोस्तों। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो वर्ष 2016-17 में वर्ष 2016-17 से सड़क सुरक्षा विषय किस क्लास के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, तो किस क्लास के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया दोस्तों सड़क सुरक्षा विषय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से 10 तक में दोस्तों पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय जोड़ा गया है। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो दिसंबर 2016 तक राज्य में कितने राज्य उच्च मार्ग थे, दिसंबर 2016 तक राज्य में कितने राज्य उच्च मार्ग यानी कि स्टेट हाईवे थे, तो कितने थे 170, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पथ परिवहन निगम की निर्भया बस कब प्रारंभ की गई, तो दोस्तों पथ परिवहन निगम की दोस्तों निर्भया बस है ये कब प्रारंभ की गई थी, ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जो निर्भया बस है वो 25 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी। 20 बसें स्टार्ट की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दोस्तों ये शुभारंभ किया गया था। आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न, इसमें देखो पुराने NH-8 नया NH-48, जो पुराना NH-8 है वो नया अभी क्या हो गया है NH-48, NH-11 उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है NH-21 को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है वो दोस्तों NH-11A है, NH-11A। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न, इसमें देखो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है, तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों को जोड़ता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 21, ठीक है। एक नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या था, तो NH-11, ठीक है, इसका पुराना नाम था NH-11 और अब वो क्या है NH-21, याद रखना इस चीज़ को। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर जिले से नहीं गुजरता दोस्तों, ये किस जिले से नहीं गुजरता, अलवर जिले से नहीं गुजरता। आगे चलते हैं, तो इसमें देखो राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 नया 68 पर स्थित है, ठीक है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पुराना 15 नया 68 पर स्थित है, तो दोस्तों कौन सा जिला है वो इस पर NH-38 पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बाड़मेर जैसलमेर जालौर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, उक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है सभी NH-38 पर स्थित है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वारा द्वितीय भाग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का द्वितीय भाग उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरता है, तो राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरता है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों जो ये है दोस्तों कौन से उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है, तो ये केवल धौलपुर से होकर गुजरता है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहाँ निर्मित हुआ,
देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहाँ पर निर्मित हुआ? तो ये निर्मित हुआ दोस्तों अजमेर राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य में सड़कों के मध्य छूटे हुए कई हिस्सों को पूर्ण करने हेतु मिसिंग लिंक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? राज्य में सड़कों के मध्य छूटे हुए कई हिस्सों को पूर्ण करने हेतु मिसिंग लिंक परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2003-04 में शुरू की गई थी दोस्तों। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य में सड़कों के विकास प्रचालन एवं सुरक्षा हेतु राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2014 कब से लागू हुआ? तो दोस्तों राजस्थान राज्यमार्ग अधिनियम 2014 है, ये कब से लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कब से लागू हुआ, ये लागू हुआ दोस्तों 8 मई 2015 से। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई है, तो राजस्थान में जो रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो 5,893 किलोमीटर है, याद रखना 5,893 किलोमीटर है ये दोस्तों रेल मार्गों की कुल लंबाई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग टोंक को सवाई माधोपुर से जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो टोंक को सवाई माधोपुर से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है NH-16 और नया इसका कौन सा है NH-552, ठीक है याद रखना इस चीज़ को। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग टोंक को सवाई माधोपुर से जोड़ता है? तो NH-116 है और ये पुराना है, नया कौन सा है NH-552। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान को वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो वो दोस्तों कौन सा NH है? तो कौन सा NH है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 76, ठीक है NH-76 है। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 79A, ठीक है। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय वो है दोस्तों कहाँ पर? जयपुर में। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो जयपुर मेट्रो चलती है, तो दोस्तों जयपुर मेट्रो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये चलती है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए मानसरोवर से चांदपोल के बीच चलती है मेट्रो, ठीक है जयपुर में। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजस्थान से नहीं निकलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, ये राजस्थान से नहीं निकलता दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आज अपने परिवहन के क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए। कल अपन लेते हैं जो जनसंख्या, ठीक है, जिसमें राजस्थान की इंडिया की भी आएगी दोस्तों, ठीक है। इंडिया की तो ले लेंगे लेकिन राजस्थान की दोस्तों कंप्लीट ले लेंगे इसमें। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आरएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।